सर, जिस तरह से नतीजे आए हैं बिल्कुल कांग्रेस के लिए तो अनएक्सपेक्टेड है, उम्मीद कुछ और हो रही थी, हो कुछ और गया। बिल्कुल जैसा आप लोग देख रहे थे वैसा हम देख रहे थे, ग्राउंड में एक बदलाव का वातावरण था, मगर वो वोट में ट्रांसलेट नहीं हुआ, बड़ा आश्चर्यजनक है। बड़ा मैं आज जब जबलपुर पहुंचा तो मुझसे तमाम कैंडिडेट्स भी मिलने आए, तमाम कांग्रेस के लीडर्स भी मिलने आए, मैं तो बड़ा आक्रोश देख रहा हूँ लोगों में, लोग में गुस्सा है, लोग समय दे फील चीटेड के ये चुनाव जो ट्रांसपेरेंसी से जैसे होने चाहिए चुनाव देश में वो शायद नहीं हो पा रहे हैं। इसके ये रैली सीरियस बात है, इस पर जाँच भी होगी, इंट्रोस्पेक्शन भी होगा, और हमको खाली चुनाव देश में कराने नहीं हैं, हमको चुनाव ऐसी तरीके से कराने चाहिए, ऐसी व्यवस्था से कराने चाहिए जिससे कि लोगों में ये एक भरोसा रहे कि चुनाव निष्पक्ष था। सर, दो राज्यों में ऑलरेडी सरकार थी वो चली गई, मध्य प्रदेश में आप बोल रहे थे नहीं आई, तो दिल्ली में इस बात को लेकर चर्चा आप लोग की भी हुई होगी, क्या कुछ निष्कर्ष निकला है? नहीं, मेरी अलग से कोई चर्चा नहीं हुई, और आज शायद समीक्षा बैठकें थी दिल्ली में, छत्तीसगढ़ की भी थी, शायद मध्य प्रदेश की भी थी, क्योंकि मध्य प्रदेश के लीडर्स सब आ रहे थे दिल्ली और मुझसे फ़ोन पे बात कर रहे थे, मुझसे मिलना चाहते थे, बट क्योंकि मैं जबलपुर आ रहा था तो मैं आज उनसे नहीं मिल पाया, कल वो लोग मुझसे मिलेंगे। सर, ट्रांसपेरेंसी का इशू आपने कहा है, आपको क्या लगता है कि कहाँ गफलत की गई? अगर देखिए, हम अपनी जाँच पूरी कर लें, उसके बाद हम कॉन्क्रीट स्टेप्स और एक्शंस की बात करेंगे, पहले से बात करना अनुचित होगा। कोर्ट का भी कुछ ऑप्शन खुला रहेगा? हर ऑप्शन खुला है हमारे पास, पार्लियामेंट का भी ऑप्शन खुला है, कोर्ट का भी खुला है, जनता का भी खुला है, इलेक्शंस का भी खुला है, हर ऑप्शन है, मगर ये सब चीज़ें गंभीरता से विचार विमर्श के बाद और सब पार्टीज मिलकर जब बातें करती हैं उसके बाद होती हैं। क्लियर मेजोरिटी मिलने के बाद भी बड़ा विलंब लगा हो रहा है, क्या लगता है? अब ये उनकी आंतरिक पॉलिटिक्स है, अब उनको तीन चार जगह उनको चीफ मिनिस्टर्स बनाने हैं, घोषणा भी की है कि हम नए चीफ मिनिस्टर्स नए लोगों में से बनाएंगे, तब ये तो उन्हीं का आंतरिक मामला है, इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं? उम्मीद क्या, एक्सपेक्टेशन क्या है पार्टी से? नहीं, हम क्या उम्मीद करेंगे, ये तो उनका डिसीजन है कि उनको किसको चीफ मिनिस्टर बनाना है, जिसको वो चीफ मिनिस्टर बनाएंगे हम लोग उस डिसीजन का स्वागत करेंगे, क्यों ये प्रजातांत्रिक प्रणाली का एक हिस्सा है। सर, दो महीने बाद लोकसभा इलेक्शन जा रहे हैं, तो क्या इंडिया गठबंधन इस बात को लेकर आएगा कि जिस तरह से अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, ये मुद्दा रहेगा क्या इंडिया गठबंधन का? बिल्कुल, हर मुद्दा रहेगा, और इंडिया गठबंधन की मीटिंग्स का शुरुआत हो चुकी है। आई एम श्योर अगर इंडिया में ऑपोजिशन को सर्वाइव करना है और प्रजातंत्र को सर्वाइव करना है तो ऑपोजिशन के पास भी कोई विकल्प नहीं है बट टू फाइट द इलेक्शन टुगेदर। एक बात ये भी हो रही है अंदर खाने में कि इस तरह के नतीजे आना है तो फिर इलेक्शन से क्यों ना गिर जाए, क्यों लोकसभा चुनाव? देखिए, मैंने कहा ना, ऑपोजिशन के पास सब विकल्प हैं, ये लोग आपस में बैठेंगे, लीडर्स बैठेंगे, विचार विमर्श करेंगे और फिर कुछ ठोस नतीजों में आएंगे। सर, जिलेवार लेवल पे देखा जाए तो 7 सीटें बीजेपी की आई है, 3 माइनस हो गई कांग्रेस की, तो क्या एक लगता है कि जिले की इकाई बदलने पर भी कोई विचार विमर्श होगा? कमलनाथ जी ने तक मत से अभी तो देखिए, अभी इट इज़ टू अर्ली, समीक्षा हो रही है, और किसी भी इतने बड़े अभियान के बाद कोई भी पार्टी एक समीक्षा करती है, फिर समीक्षा के बाद सुधार लाती है, और इसमें समय लगता है। बड़ा कंफ्यूजिंग है सर, कमलनाथ जी के स्टेप को लेकर भी कभी इस्तीफे का हल्ला उठता है, कभी कुछ, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता, ये व्यक्तिगत मामला है कमलनाथ जी और हाईकमांड के बीच का, और मुझे इसकी पर्सनल जानकारी कुछ नहीं है। ठीक है, थैंक यू। एकता की पॉजिटिव टक्कर रहेगी अच्छी तो उस कंडीशन में बीजेपी की गाड़ भी था मध्य और लखन का कोई डिस्कशन होता ही नहीं था, वो तो एक तरह का बैल रिजल्ट, उनका डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन ऐसा है कि मतलब कोई बात नहीं सक रहा था। ये कल का कारण थे, कल का आदमी थे 40,000, एकता 40,000 से आ रही, संजय 40,000 से आ रहा है। जबकि एकता की स्थिति शुरू से ही मजबूत है, मतलब सिक्योरिटी के साथ ऐसी स्थिति तो नहीं थी। भोपाल गए थे, भोपाल गए थे, वापिस क्या नहीं करेंगे? नकली मैडम आप जाइए, उन्हें क्या सब तुम्हें लड़वा रहे हैं ऐसा?
आज वो राजेश के यहाँ शादी है ना, आज शाम को संजीव राजेश बहुत पुराना दोस्त है। बढ़िया।